Good morning everyone, this is K12 News. I'm Khushi Rana. Right now I'm here at annual Star Rating Conference organized by CED Foundation at Hotel Radisson, Udyog Vihar, Gurgaon. Let's talk to some guests and award winners of the event. Good afternoon sir, please introduce yourself. Well, I'm Dr. Jitendra Nagpal. I'm a psychiatrist and program director for Expressions India, the NGO across the country that deals with life skills development in schools, मेंटल हेल्थ प्रमोशन, बच्चों की मानसिकता के बारे में जो चर्चा अक्सर होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ्टी. हर बच्चे की, करोड़ों बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ की सेफ्टी क्या है, उनकी फिजिकल सेफ्टी क्या है, क्या हम स्कूल्स को मेडिकली और साइकोलॉजिकली सेफ बना रहे हैं, ये हमारी संस्था इस पर पिछले 15 साल से काम कर रही है. हम CED से जुड़े हुए हैं और पार्टनरशिप में हैं. ओके सर, दैट्स रियली नाइस. सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर अटेंडिंग दिस इवेंट? I think it's a wonderful idea. अगर आप देखें SDG 4 और skill education, मैं समझता हूँ कि प्रथम जो श्रेणी है या objective या goal है शिक्षा का, यही है. और 21वीं शताब्दी की जो शैली है, 21st century skills as we call them, I think it's a profound opportunity 2023 and onwards, because new education, national education policy जो बन के आई है उसमें बच्चों के holistic विकास पर बहुत प्रभावशाली रचना रुची गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, छोटा सा बच्चा एक फाउंडेशनल ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड का जब स्कूल जाता है और करीब 18 साल की उम्र में स्कूल से बाहर निकलता है, सक्सेस क्या है ये आज केवल हाई मार्क्स डिफाइन नहीं करते हैं. ये केवल हमारे 98% मार्क्स और केवल IIT में जाना या किसी प्रतिष्ठा वाले मेडिकल कॉलेज में जाना, केवल वो सक्सेस डिफाइन नहीं करता है. दिमाग की स्फूर्ति, शरीर की स्फूर्ति, बच्चा सामाजिक रूप से कितना स्थिर है, स्टेबिलिटी ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ डिफाइंस द सक्सेस ऑफ द चाइल्ड इन टू द यंग अडल्ट, इन टू द यूनिवर्सिटी, इन टू द वर्क फील्ड टुमारो. सो ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का स्किल एजुकेशन है, टू बिकम स्किल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स. द डेवलपमेंटल गोल्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली इंक्लूड ऑल दीज एज पार्ट ऑफ देयर 17 गोल्स. अनफॉर्चुनेटली अक्सर स्कूल्स इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो भागदौड़ होती है, जो एकदम खचाखच एक दौड़ होती है, वो मार्क्स के लिए हो जाती है कि चलो भाई कौन प्रथम श्रेणी आया है, टॉपर कौन है, 99% किसके हैं, कितने लोग IIT में टॉप करके आए हैं. तो 95% बच्चे जो टॉपर्स शायद कभी ना हो ज़िंदगी में, वो भी तो सक्सेसफुल हुए. उनको कहीं पर अंधेरे में एक वो जागृति, एक वो स्किल, एक कहीं ना कहीं से वो प्रतिष्ठा पूरी नहीं मिलती है, तो उनका सेल्फ एस्टीम, उनकी मानसिकता, उनका मनोदिशा निराश, हताश और फना हो जाती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नाउ विद अ कॉन्फ्रेंस लाइक दिस एंड मेनी मोर टू कम अक्रॉस द ईयर, वी शुड टेक केयर ऑफ द सेफ्टी. एंड दोबारा बोल रहा हूँ, सेफ्टी माइंड की, केवल बॉडी के लिए नहीं. हम किस किस बच्चे को कितना प्रतिष्ठा से, कितना उनको हैप्पीनेस के तौर से एक नज़र से देखते हैं, ये टीचर का भी काम है, माँ बाप का भी काम है. कमिंग टुगेदर ऑफ द फैमिली इन द स्कूल इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द स्कूल. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली लॉग ऑन टू www.k12news.net और k12news.co.in. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.